हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो सुबह का जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो है झाड़ू लगाने का। तो सुबह उठ करके मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी थी, 15-20 मिनट हो गया होगा। तो मैं ब्रश वगैरह करके अब झाड़ू लगा रही हूँ, और फिर मैं उसके बाद क्लीनिंग वगैरह का तो काम रहता ही है, पोछा हो गया और बेड वगैरह सही करना हो गया, तो इसके बाद मैं ये सारे काम करूँगी। और यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े डाल रही हूँ कि साथ ही साथ कपड़े भी धुल जाएंगे। सुबह के टाइम पर मैं यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने फिनिश कर लूँ, कि दिन में मुझे अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल पाए। नहीं तो क्या होता है कि दिन भर हम काम में ही लगे रह जाते हैं और फिर अपने लिए तो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मैं यहाँ पर बेड सही कर रही हूँ। क्या होता है कि रात में सोने के बाद जब सुबह उठो तो बेड जो है कुछ ऐसी ही हालत दिखने को मिलती है, और जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा मैसी हो जाता है। और ये बेडशीट वगैरह विहान ने ही हटा दी है। बच्चों का यही काम होता है, कुछ ना कुछ बिगाड़ते ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सब सही कर रही हूँ, और फिर मैं इसके बाद पोछा लगाऊंगी। और पोछा लगाने के बाद मैं पानी पीती हूँ। मैं डेली रात में धनिया पानी भिगो करके रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने रात में बादाम भिगो करके रखा था, मेथी भिगो करके रखा था। मेथी जो है मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो मैं रात में डेली धनिया, जीरा और सौंफ पानी में डाल करके भिगो देती हूँ, और सुबह उठ करके मैं इसे गर्म करके पीती हूँ। और इसमें मैं नींबू और शहद भी डालती हूँ। ये ड्रिंक जो है हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक तो इसे वेट लॉस भी होता है, वेट को कंट्रोल रखता है, और जो भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि गैस बनना हो गया, या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम नहीं रहती हैं। बहुत ही अच्छा हेल्थ ड्रिंक है ये। तो मैं डेली इस ड्रिंक को पीती हूँ। सुबह खाली पेट ही इस ड्रिंक को पीना चाहिए। तो ब्रश वगैरह करने के बाद मैं सबसे पहले या तो ड्रिंक पी लेती हूँ, या तो फिर कभी कभी मैं क्लीनिंग का काम करने के बाद इस ड्रिंक को पीती हूँ। और यहाँ पर नहाने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ। मैं डेली तुलसी जी के पास भी दीपक रखती हूँ, और ये मेरे सारे प्लांट्स हैं। तो सुबह मैं थोड़ा बहुत टाइम अपने पेड़ पौधों को भी देती हूँ, जैसे पानी डालना हो गया, जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उसको भी हटा देती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में 5-10 मिनट मैं अपने प्लांट्स को ज़रूर टाइम दूँ। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, और साथ में विहान भी मेरे साथ साथ यही काम करवा रहा है। बच्चों का यही होता है, जो बड़े करते हैं वही देख करके वो भी करने लगते हैं।
इसके बाद मैं चाय बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी चाय जो है बन गई है। चाय पीने के बाद क्या होता है कि थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और हम एक्टिव भी हो जाते हैं, जिसके बाद हमें काम करने में मन भी लगता है। तो यहाँ पर मैं मटर आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, ग्रेवी वाली। तो मैं यहाँ पर प्याज कट कर रही हूँ और टमाटर, मिर्चा और लहसुन अदरक को मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, जिससे कि अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मसाले वगैरह सब डाल दिया है और टमाटर, लहसुन अदरक, मिर्चा मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, वो सब भी मैंने डाल दिया है। एक्चुअली क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए आपको डायरेक्ट ये देखने को अब मिल रहा है। मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैं पैकेट से दूध निकाल रही हूँ और एक तरफ मैं दूध चढ़ा दूँगी गर्म होने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि गैस के दोनों तरफ मैं कुछ ना कुछ चढ़ा दूँ, जिससे कि मेरा काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मॉर्निंग में वैसे भी थोड़ी सी हड़बड़ी रहती है, खाना भी बनाना होता है, घर के भी और भी काम होते हैं। और यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और सब्जी जो है मेरी बन चुकी है। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं रोटियाँ सेक करके इनको खाना दे देती हूँ, क्योंकि ये ऑफिस जो है खाना खा करके ही जाते हैं। और फिर मैं विहान को भी खिला दूंगी। और ये देखिए मेरी आलू मटर की सब्जी भी बन करके तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैं विहान को भी खिला रही हूँ। विहान जो है मॉर्निंग में कभी हलवा खा लेता है, कभी रोटी खा लेता है। आज उसका हलवा खाने का मन नहीं था तो मैंने रोटी बना दिया, क्योंकि क्या होता है बच्चे भी डेली एक ही चीज़ खा करके बोर हो जाते हैं, तो मैं उसको कभी कभी रोटी भी खिला देती हूँ। तो मैं विहान को हमेशा घी लगी हुई रोटी ही खिलाती हूँ, जिससे कि बच्चों को कुछ न्यूट्रिशन भी मिले। तो वो यहाँ पर सब्जी नहीं खा रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमकीन लगा करके उसे खिला रही हूँ। बच्चों का क्या होता है कि जिस तरह से खाएं, लेकिन उनका खाना ज़रूरी है। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अब मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं और अब दिन के सारे काम चालू होंगे, जैसे कि दिन में लंच वगैरह बनाना होता है। लंच में मैं वही दाल चावल बनाती हूँ और सब्जी तो बन ही चुकी है और विहान को भी मैंने नहला दिया है, कपड़े वपड़े पहना दिए हैं। तो विहान वही 12-1 बजे सो जाता है, तभी मैं जा करके दाल चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है 2 बजे खाना खाने आते हैं
हस्बैंड को 9:30 बजे ऑफिस जाना होता है, जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी सुबह उठ करके काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। और किसी दिन अगर लेट से उठे तब तो सारे काम ही लेट हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जल्दी उठ करके अपने सारे काम शुरू कर दूँ, जिससे कि सब काम टाइम से हो जाए और खाना भी टाइम से बन जाए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।